ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 551,611 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 3,074 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 24,701 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 170 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଉରକେଲା ସହର ସମେତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ସାରନଗରରେ 4,810 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 20 ଡୋନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସକାଳ 9:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। कॉपी रोकीबा को कड़ा जांच व्यवस्था करा जाई थिला। हिंदी इतना हार्ड तो है नहीं, बट हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, अपना पूरा जी जान, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेंड करना है। और टोटल एग्जाम के लिए कैसा प्रिपेयर किया है? पूरा मस्त, पूरा मस्त। उम्मीद क्या करते हैं? मेरी मम्मी बोली 85% से ऊपर आने, तो मैं कोशिश करूंगी कि 85% से ऊपर आए। क्या उम्मीद करते हैं, क्या कैसा रिजल्ट रहेगा और एग्जाम के लिए किस तरह प्रिपेयर किया? उम्मीद तो बहुत अच्छा है, प्रिपेयर भी बहुत अच्छा किए। रूटीन के हिसाब से पढ़ते थे हम लोग, आज हिंदी है तो हिंदी का प्रिपेयर आकर के आए, सुबह सुबह रिवीजन किए ऑल टोटल। एग्जाम का अच्छा प्रिपेयर किया है, आज हिंदी है इसलिए आज हिंदी इतना टेंशन नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना करेंगे। हम लोगों का ट्यूशन में बताया गया कि पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है, और हम पूरा प्रिपेयर करके आए हैं। और लिखने के बाद पता चलेगा टेंशन है कि नहीं, बट सारा क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और अच्छे से देंगे। उम्मीद यही रहेगा कि हम लोग 80% से ज़्यादा रख सके, अपना स्कूल का नाम आगे बढ़ा सके, और हम लोग आगे सबको अपना हम लोग का स्टूडेंट अच्छा नाम अच्छा नंबर रख सके, हिंदी में सब अच्छे से दे सके, और प्रिपेयर सब ठीक किया है।